हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, यूपी में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप जानते हो कि यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर के ये इंफॉर्मेशन दे दिया गया था कि सुपर टेट या यूपी टेट ये सभी जो है कंडक्ट तभी होगा जब शिक्षा आयोग जो चयन आयोग बनने वाला है वो बन जाएगा। तो इसी बीच में जो और सारी वैकेंसीज थी जो कि पहले से इसका या तो फॉर्म फिलअप करवा लिया गया था या आवेदन दे दिया गया था, उन सभी चीजों को रोक दिया गया था। तो उसी से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड से रिलेटेड हर तरह के इंफॉर्मेशन, आप लोगों को नोट्स और जो भी वैकेंसीज आती है सभी चीजें जो है आप लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, बोल इतना नहीं है कि सभी को इससे बेनिफिट हो, लेकिन ये जरूर है कि जो चीजें बिल्कुल शिक्षक भर्ती को लेकर के यूपी में बंद हो गई थी और एक तरह से ठप्पा लगा दिया गया था कि जब तक शिक्षा आयोग शिक्षा चयन आयोग नहीं बनेगा नया यूपी में, तब तक कोई भी वैकेंसी नहीं निकलेगी। इस पर जो है हाई कोर्ट भी गए और बहुत सारी चीजें हुई भी, उसी से रिलेटेड ये है। चलिए मैं एक एक करके आपको चीजें बताती हूँ। सबसे पहले तो जो हेडिंग है वही समझ लो, शिक्षकों की अहर्ता पर, अहर्ता यानी उसकी योग्यता किस पे जो है ली जाएगी, लगी मुहर, भर्ती प्रक्रिया का रास्ता हुआ साफ। अब मैं आपको बताती हूँ ये मामला क्या है। ये मामला एक्चुअली में जो आप लोगों का 2300, यहाँ पे देखिए 2332 राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड, इन लोगों की शिक्षक भर्ती के लिए जो है वो शैक्षिक अर्हता निर्धारित कर दी गई है। ये सारी वैकेंसीज पहले से थी कि ये ले ली जाएगी, लेकिन जैसे ही ये सूचना आया कि शिक्षा आयोग का गठन होगा यूपी में, उसी के थ्रू जो है सारे प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, ये सारे भर्ती को भी रोक दिया गया था। अब मैं एक ये बताती हूँ आप लोगों को कितनी भर्ती और क्या क्या जो चीजें थी। यहाँ पर आप पहले देख लो, यहाँ पर देखिए 26 अप्रैल को जो है एक, क्योंकि विरोध किया गया, उसके बाद जो है 26 अप्रैल को जो है एक कमिटी गठित हुई जिसमें कि 5 सदस्य जो थे, 5 सदस्यीय कमिटी की गठन हुआ और विषयवार पदों पर चयन के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता और समकक्ष अर्हता जो क्वालिफिकेशन होता है उस पर विचार विमर्श किया गया। ये चीजें 26 अप्रैल को हुई थी। अब अपनी रिपोर्ट, इन लोगों ने विचार विमर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो शासन को भेज दी है। शासन की मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर देगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है ये शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अब आप लोग ये जानना चाहोगे कि कहाँ पे जो है कितनी भर्ती है, तो ये भी जान ही लो ताकि आगे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे देख लीजिए, राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की एलटी ग्रेड के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए 2018 में विज्ञापन किया गया था, ये सब आप जानते हो। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि पूरा जो भी विज्ञापन दिया गया था उसमें भर्ती जो है पूरी तरीके से नहीं हो पाई, उसमें जो है रिक्त रह गए थे पद, कुछ पद जो है रिक्त रह गए थे। सहायक अध्यापक के स्वीकृत 19,300 पदों में से 6,335 प्रवक्ता और प्रवक्ता के 9,463 स्वीकृत पदों में से 3,957 पद खाली थे। मतलब अभी अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों का 6,365 और 3,957 ये जो है एक वैकेंसीज आप लोग को देखने को मिल सकती है। इसका क्वालिफिकेशन जो है पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है, भर्ती की प्रक्रिया जो है बहुत जल्द स्टार्ट कर दी जाएगी। क्योंकि आप इसके बारे में हमने आप लोगों को पहले भी इंफॉर्मेशन दे दिया है कि नई भर्ती को लेकर के जो बात चल रही थी कि सुपर टेट आए और ये सभी चीजें हो, तो सरकार की तरफ से ये बोल दिया गया था कि उनके पास जो है परफेक्ट रेशियो है टीचर स्टूडेंट का, तो उनको अभी भर्ती की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सभी भर्ती पहले वाले में से जो बची हुई है वो सभी चीजों को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। तो फिलहाल आपको जो है यूपी में 10,000 समथिंग वैकेंसीज देखने को मिल सकती है और ये बहुत जल्द किया जाएगा। इसके लिए भी स्टूडेंट को बहुत जगह जो है लड़ना पड़ा है, बहुत सारी चीजें जो है अपनी बातों को रखना पड़ा है, तब जाकर के ये भी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो फाइनली कुछ एक गुड न्यूज निकल कर यूपी से शिक्षक भर्ती को लेकर के आ रहा है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है तो डेफिनेटली हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे।
फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस।